सो स्टूडेंट, ये लाइव क्विज 3 का डिस्कशन है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्विज है ये। पहले 2 क्विज जो आपने किए होंगे बड़े इजी लगे होंगे आपको, तो ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लगेगा आपको। इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है कि क्वांटिटेटिव मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉस्फेट लेवल in aqueous solution involves adding ammonium molybdate to form a precipitate ammonium molybdo phosphate. Structure of this solid is based on cuboctahedron. ये structure जो है यहाँ पे given है. A molybdenum atom lies at each vertex. तो आपको count कर लेना है कि इसके कितने vertex हैं. तो आप अगर देखेंगे तो ये सारे जो है vertex है. 6 तो यहीं पे नजर आ गए और 3 ये इसके ऊपर नजर आ गए और 3 ये ऐसे इसके नीचे नजर आ गए। तो 6 + 3 + 3 तो इसका मतलब है ये टोटल 12 वर्टेक्स हो गए। तो इसका आंसर आपका जो है या तो बी में होगा या फिर जो है वो सी में होगा, क्योंकि ये यही पूछ रहा है। सो मोलिब्डेनम एटम लाइज एट ईच वर्टेक्स ऑफ द क्यूबॉक्टाहेड्रॉन एंड दीज आर जॉइंड बाय ऑक्सीजन एटम्स एट एवरी एज ऑफ द क्यूबॉक्टाहेड्रॉन बीइंग ब्रिज्ड बाय ऑक्सीजन एटम। तो ये मोलिब्डेनम का नंबर हमें पता लग गया। अब ऑक्सीजन का नंबर हमें फाइंड आउट करना, तो इसकी कितनी एजेस हैं ये देख लीजिए। देखिए ये जो भी हमने वर्टेक्स देखे हैं, बाहर वाले 6 देखे हैं, तो 6 तो एजेस यही हो गई यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और ये जो ऊपर 3 दिख रहे थे, इसके 3 ये है, ऐसे ही 3 जो है वो नीचे होंगे। और आप ये देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स है यहाँ पे आपको और 2-2 एजेस जो नजर आ रही है, तो 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही 6 जो है आपको नीचे जो है वो नजर आ जाएगी। तो ये आप यहाँ देखेंगे तो आपको ये जो है इस टाइप से +6 + 6 इतनी सारी एजेस नजर आ रही हैं। तो ये 6 हो गया, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो टोटल कितने हो गए? 24 एजेस हो गई है। ठीक है। और ये कह रहा है कि ए सिंगल फॉस्फेट यूनिट लाइज एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। एक पूरा फॉस्फेट जो है सेंटर पे लाई कर रहा है। तो फॉस्फेट हमारा होता है PO4 3-। तो टोटल ऑक्सीजन अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास में जो है 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और आ जाएंगे। ठीक है। फर्दर ऑक्सीजन एटम इज ज्वाइंट एवरी वर्टेक्स। तो सभी वर्टेक्स पे एक ऑक्सीजन एटम जो है वो और है। तो टोटल ऑक्सीजन एटम का नंबर यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो 8 2 10 3 and 4 तो 40 ऑक्सीजन एटम एंड 12 मोलिब्डेनम एटम जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस पैराग्राफ को देखिए, रीड करिए कि ये कह रहा है आइस दैट बर्न्स। सो देयर इज अ सच थिंग कॉल्ड एज मिथेन हाइड्रेट। मतलब मिथेन गैस जो है मीथेन हाइड्रेट, तो इसका मतलब है मीथेन का एक मॉलिक्यूल होगा जो कि कुछ वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा। तीन क्वेश्चंस बेस्ड है। सो देयर इज अ such thing that is called as ice that burns. So एक methane hydrate है under high pressure and low temperature. तो ये high pressure और low temperature की जो condition है that results into the formation of methane hydrate. So which consists of a single molecule of natural gas. Natural gas यहाँ पे basically methane ही है, trapped within crystalline cases formed by frozen water molecule. So a lump of methane hydrate looks like a grey ice cube. ये तो उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसका लगता है क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, बट जस्ट थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल दे दिया है जस्ट टू कंज्यूम टाइम। बट इफ वन पुट्स ए लाइटेड मैच टू इट इट विल बर्न। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर्स, हाँ ये यहाँ से कुछ काम की बात आ रही है। मिथेन हाइड्रेट इज डोडेकाहेड्रन। डोडेकाहेड्रन का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ए ग्रुप ऑफ 20 वाटर मॉलिक्यूल। द यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल कैन बी थॉट एज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो इसका मतलब ये बीसीसी टाइप का स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इफेक्टिवली 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएंगे। और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो 20 वाटर मॉलिक्यूल का है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो टोटल जो है 40 वाटर मॉलिक्यूल नजर आएंगे। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो बेसिकली 20 वाटर मॉलिक्यूल का एक ग्रुप है। So unit cell of crystal can be thought as body-centered cubic arrangement built from these dodecahedra, which are almost spherical object. The dodecahedra are connected by additional water molecule located on the faces of the unit cell. तो 6 faces होते हैं और एक face का जो contribution होगा वो half होगा। तो यहाँ पे basically हमारे पास में जो है effectively 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और आ जाएंगे और एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो 2 वाटर मॉलिक्यूल है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कैन बी फाउंड ऑन ईच फेस सेंटर। तो इसका मतलब 6 वाटर मॉलिक्यूल टोटल और आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो टोटल वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं इस यूनिट सेल के अंदर वो 46 वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं। Unit cell as an edge dimension of this, there are 2 types of cavities in this structure. One is internal space in dodecahedron. तो इसका मतलब जो A type की cavities हैं ये 2 हो जाएंगी क्योंकि effectively 2 ही हमारे पास में constituent particle है and these are somewhat smaller than the other type of voids B, which of these are 6. तो ये question ही कह रहा है कि B type के जो voids हैं वो 6 हैं। तो अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ यूनिट सेल। तो ये जैसे मैंने कहा था टोटल 46 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। हाउ मेनी टाइप ए कैविटीज कैन बी फाउंड इन द यूनिट सेल। तो टाइप ए कैविटीज अगर आप देखेंगे तो ये बता दिया था क्योंकि एक डोडेकाहेड्रा के अंदर एक इंटरनल स्पेस है वो कैविटी का काम कर रहा है। इफ ऑल कैविटीज कंटेन अ गैस मॉलिक्यूल what is the ratio of the number of water to number of gas molecules। तो number of water molecule तो आपको पता है 46 हो जाएंगे और सारी कैविटीज को अगर हम फिल कर देते हैं तो 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है तो ये बेसिकली 6 + 2 8 कैविटीज हो जाएंगी। तो 46/8 जो है हमारे पास में 5.75 आएगा। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो ये हमारे 2, 3, 4 क्वेश्चंस हो गए इस पैराग्राफ पर बेस्ड। एग्जाम में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे पैराग्राफ पीछे रह जाएगा क्वेश्चन आगे चले जाएंगे। ऑनलाइन के अंदर हर क्वेश्चन के साथ वापस से पैराग्राफ को रिपीट किया जाएगा। मैंने तो यहाँ तीनों एक साथ क्वेश्चन ले लिए थे, अदरवाइज आप देखेंगे तो पैराग्राफ होगा फिर उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन होगा फिर वापस से पैराग्राफ लिखा जाएगा और उस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन होगा फिर अगेन वापस से पैराग्राफ आएगा और फिर उस पर बेस्ड तीसरा क्वेश्चन होगा। ऐसे जो है आपको मिलेगा। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास में ये कह रहा है देयर आर 3 क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो ये 3 जो है क्यूबिक यूनिट सेल्स है हमारे पास में। एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया और तीसरा जो है वो सी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए है। ए जो है वो एक बेसिकली एफसीसी टाइप का यूनिट सेल है एंड ऑल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर फिल्ड। तो इसका मतलब है कि इसके सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है वो ऑक्यूपाइड है। बी इज ऑल्सो एफसीसी तो बी जो है वो भी एफसीसी हो गया हमारे पास में एंड ऑल ऑफ इट्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। तो इसके भी सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड हो गए। सी इज सिंपल क्यूबिक तो सी हमारा सिंपल क्यूबिक हो गया प्लस ऑल ऑफ इट्स क्यूबिक वॉइड। एक ही क्यूबिक वॉइड होगा ऑक्यूपाइड हो जाएगा। इफ वॉइड्स इन ऑल यूनिट सेल्स आर ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स एग्जैक्टली एट देयर लिमिटिंग रेडियस मतलब जो पैकिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी तो फिर क्या करना देन द ऑर्डर ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी वुड बी। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा वो 0.74 से ज्यादा आएगा क्योंकि 0.74 तो सिर्फ एफसीसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 0.74 तो सिर्फ एफसीसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और साथ में टेट्राहेड्रल वॉइड्स और आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखेंगे तो 0.74 से ज़्यादा ही आएगा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो 0.52 से ज़्यादा आएगा क्योंकि सिंपल क्यूबिक के लिए 0.52 होता है। अच्छा अब हमें पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नंबर जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नो डाउट 4 ही होगा और टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर अगर हम देखेंगे तो ये 8 होगा और क्यूबिक वॉइड का नंबर जो है वो 1 ही होगा। बट जो स्पेस ऑक्यूपाइड होगा सबसे ज्यादा वो क्यूबिक वॉइड का होगा। तो यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाइड और नंबर का कंट्रीब्यूशन क्यूबिक वॉइड में सबसे कम हो जाएगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में स्पेस और नंबर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होगा क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए अगर हम देखते हैं तो जो आइडियल साइज होती है वो 0.225 होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए अगर हम देखते हैं तो 0.414 होती है, तो जस्ट मतलब ये डबल हो गया है इसके लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी नजर आएगा वो बी के अंदर नजर आएगा, सबसे ज्यादा बी के अंदर नजर आएगा। हमें दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं जिसमें मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी बी के अंदर है, और सबसे कम जो नजर आएगा वो ए के अंदर सबसे कम नजर आएगा, सी के अंदर सबसे कम नजर आएगा, सॉरी। तो बी मैक्सिमम एंड सी मिनिमम, तो बी मैक्सिमम एंड सी मिनिमम ऑप्शन बी के अंदर दिख रहा है। फिर ये एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली ऑप्शन वन को अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन वन के अंदर क्या कह रहा है कि एटम ए ऑक्यूपाई एफसीसी लैटिस पॉइंट्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास में ए कितने हो जाएंगे, इफेक्टिवली ए 4 हो जाएंगे। एंड बी ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो यहाँ पर ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं यहाँ पे, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो यहाँ पे ए और बी का सिंपलेस्ट रेशियो अगर देखेंगे तो AB2 आ जाएगा। इसका मतलब 1 के साथ जो है वो P मैच करेगा, 1 के साथ जो P है वो ऑप्शन A में है, 1 के साथ जो P है वो ऑप्शन D के अंदर है। तो A और D में से हमें कोई चूज करना है। तो अब या तो आप सेकंड का आंसर जो है चेक कर लो क्या होगा, ठीक है, फोर्थ में तो सब मैच ही कर रहा है, या तो सेकंड के लिए चेक कर लो या थर्ड के लिए चेक कर लो, यहीं से हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर क्या होगा। लेट सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं क्या होगा। तो ये कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन के अंदर एटम ए ऑक्यूपाई सिंपल क्यूबिक लैटिस, तो इसका मतलब ए सिंपल क्यूबिक लैटिस में इसलिए 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ, ए जो है वो सिंपल क्यूबिक में है, तो सिंपल क्यूबिक का मतलब इफेक्टिवली 1 हो जाएगा, ओनली फ्रॉम कॉर्नर। एंड बी फेस सेंटर्स, बी जो है वो फेस सेंटर पर है, और फेस सेंटर जो है बेसिकली कितने होते हैं, 6 फेस सेंटर होते हैं, और उसका कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, तो इफेक्टिवली 3 आ जाएंगे। एंड ऑल एटम्स फ्रॉम वन ऑफ द फेस डायगोनल आर मिसिंग, अच्छा अब जितने भी एटम फेस डायगोनल पे हैं वो सारे मिसिंग है। तो अब आप देखेंगे फेस डायगोनल पे क्या मिलेगा आपको, फेस डायगोनल पे हमें एक बी मिलेगा और 2 जो है ए मिलेंगे, क्योंकि ए जो है वो सिंपल क्यूबिक है, और जो हमारे पास में बी है वो फेस के सेंटर पर है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास में ए था कितना था, इफेक्टिवली 1 था, इसमें से 2 ए मिसिंग है, तो 2 कॉर्नर से मिसिंग है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 1 - 1/4 जो है हमारे पास में, तो इसका मतलब ये 3/4 रह जाएगा। 1 - 1/4 है, तो इसका मतलब ये 3/a रह जाएगा, यहाँ पे 3/4 रह जाएगा। और B जो है हमारे पास में इफेक्टिवली 3 थे, उसमें से एक B चला गया जिसका कंट्रीब्यूशन हाफ था, तो ये 3 - 1/2 आ गया हमारे पास में, तो ये 5/2 हो जाएगा। तो अब आप सिंपल सा कह सकते हैं कि इसका फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा, ये A 3/4 एंड B 5/2, तो इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये A3 हो जाएगा, और B जो होगा हमारे पास में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो A3 B10 जो है वो सेकंड के अंदर मैच कर रहा है, तो A3 B10 जो है वो S के अंदर आ रहा है, तो सेकंड का डेफिनेटली S ही होगा, सेकंड के लिए जो है वो S होगा। तो सेकंड के लिए S जो है वो हमारे पास में ऑप्शन A के अंदर मिल रहा है, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको 3 और 4 चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, और वैसे आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि बाकी का पार्ट जो हमारा क्या होगा कि थर्ड के अंदर ये कह रहा है कि एटम ए ऑक्यूपाई एफसीसी लैटिस एंड बी ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ये हमारे पास में थर्ड ऑप्शन के अंदर जो कह रहा है कि ए जो है वो सारे एफसीसी लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब 4 हो जाएगा, एंड बी ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इफ ऑल दी एटम्स मिसिंग फ्रॉम वन ऑफ दी बॉडी डायगोनल, तो अब यहाँ पे सारे बॉडी डायगोनल को तो कंसिडर नहीं करना है, वन ऑफ दी बॉडी डायगोनल को आपको ले लेना है। तो वन ऑफ दी बॉडी डायगोनल अगर हम लेंगे तो बॉडी डायगोनल ये जो है हमारे पास में आ गया, इस बॉडी डायगोनल पे क्या मिलेगा मैम, इस बॉडी डायगोनल पे यहाँ पे कुछ मिलेगा और यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो आप जानते हो कि ए का अरेंजमेंट जो है वो कहाँ पे था, ए का अरेंजमेंट जो है एफसीसी लैटिस पॉइंट्स पे था, और बी जो है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में था। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे ये तो हमारा एक जो है बी हो गया है क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड सेंटर पे भी होता है, और एफसीसी का मतलब फेस सेंटर एंड कॉर्नर पर, तो ये एक ए होगा और ये भी एक ए होगा। तो अब ए जो हमारे पास में कितने थे, 4 थे, इनमें से 2 ए जो है वो मिसिंग है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 4 - 2/8 जो हमारा आ जाएगा, तो 15/4 हो जाएगा ये। और बी अगर हम देखेंगे तो टोटल 4 थे, उसमें से कम्प्लीटली एक बी जो है वो मिसिंग हो जाए क्योंकि बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है, उसका 100% कंट्रीब्यूशन होता है। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो A 15/4 एंड B 3 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो इसका अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास में A 5 एंड B 4 आ जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं और इसी टाइप से आप ऑप्शन 4th जो है उसको भी चेक करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। इसके अंदर जो है वन ऑफ इफ ऑल फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सेस आर रिमूव, तो ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक फेस सेंटर के अलोंग जो है वो कौन सा होगा। ठीक है जी, इनमें से हमारा आंसर तो आ गया इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड Cu(1.8S) है is formed due to incorporation of Cu2+ ions in the lattice of cuprous sulfide। तो इसका मतलब है एक्चुअल में ये कह रहा है कि ये हमारे पास में कोई भी एक cuprous sulfide है। cuprous sulfide Cu2S होता है। अब इसमें से कुछ जो है cuprous ion missing है और इससे ये 1.8S बन गया। तो इसका मतलब है कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ Cu+ मिसिंग फ्रॉम द लैटिस। तो होना चाहिए था 2 मोल पर फॉर्मूला यूनिट, लेकिन है 1.8, तो इसका मतलब हो गया कि 0.2 पार्टिकल जो है वो मिसिंग है। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए एक Cu+1 अगर मिसिंग होगा तो उसके बदले में इसके अंदर जो है एक Cu+2 बन जाएगा। सो मोल्स ऑफ Cu2+ फॉर्म, एक Cu+1 अगर मिसिंग होगा तो उसके बदले में एक Cu2+ फॉर्म बन जाएगा, तो ये 0.2 बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ Cu2+ आइंस आउट ऑफ टोटल कॉपर कंटेंट। तो +2 जो है उसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो +2 0.2 है और टोटल जो है 1.8 है। तो ये हमारे पास में बेसिकली जो है परसेंटेज हमें फाइंड आउट करना है, तो इंटू 100 कर देते हैं। तो ये 100/9 के करीब कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 10 से बड़ा ही होगा, तो 11.11% आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड AB हैज रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप जानते हो। इफ ऑल एटम्स अलोंग 3-fold एक्सिस, तो ये जो है सिंपल सी एक्सेसेस होती हैं, आपके मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल्स गिवन है, ये कर सकते हो इजीली। हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया बट इजीली जो है डुएबल है, इसको आप कर सकते हो। तो ये जो है हमारे पास में एक रॉक सॉल्ट है, उस रॉक सॉल्ट के अंदर इफ ऑल दी एटम्स अलोंग 3-fold एक्सिस आर रिमूव्ड, व्हाट इज द फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना है कि 3-fold एक्सिस जो है होगा कहाँ पे। 3-fold एक्सिस का मतलब हो गया कि किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर इसको हम 3 टाइम्स अगर रोटेट करते हैं तो फिर ओरिजिनल शेप जो है वो रीअपियर हो जाना चाहिए। ओरिजिनल शेप जो है वो रीअपियर हो जाना चाहिए। तो ये जो 3-fold एक्सिस आपको मिलेगा, ये एक टाइप का हमारा बॉडी डायगोनल के थ्रू पास होने वाली एक्सिस है। तो ये 3-fold एक्सिस है। अब इसमें जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके अलोंग उन सबको हमने रिमूव कर लिया है, तो क्या क्या रिमूव हो चुका है ये देख लेते हैं। तो यहाँ से एक हमारा ये कॉर्नर एटम रिमूव हो जाएगा, एक कॉर्नर एटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और एक ये यहाँ पे जो बॉडी सेंटर एटम है ये रिमूव हो जाएगा। तो ये बेसिकली रॉक सॉल्ट है। तो रॉक सॉल्ट के अंदर जो है हमारा एनाइन है बी, ये CCP अरेंजमेंट कर रहा है, और जो कैटाइन ए है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर जाएगा। तो अब यहाँ पे B का अरेंजमेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास में जितने भी कॉर्नर थे उसमें से 2 कॉर्नर जो है मिसिंग होंगे। तो इसका मतलब है कि ये आइडियली तो 4B थे, लेकिन उसमें से 2 कॉर्नर एटम जो है मिसिंग हो गए। तो 4 - 2/8 हो जाएगा, ये पहले भी हमने किया है तो 15/4 आ जाएगा। और ए को अगर हम देखेंगे तो आइडियली 4 A थे और एक A कंप्लीटली मिसिंग है क्योंकि बॉडी सेंटर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कंप्लीटली गायब हो गया। तो ये फॉर्मूला बनेगा A 15/4 और B जो है हमारा 3 हो जाएगा। तो इसको हम A 15 B 12 कह सकते हैं। और इसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम निकालेंगे तो ये हमारे पास में जो है वो, एक मिनट, ये A जो है हमारा 3 है और B 15/4 है, A is 3 and B 15/4। तो ये A 12 हो गया हमारे पास में, यहीं पे करना है, A 12 हो गया और B जो है हमारे पास में 15 हो गया। तो अब सिंपलेस्ट रेशियो हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो ये जो है हमारे पास में 4 हो जाएगा और B जो है वो 3 हो जाएगा। तो A 4 5 not 3, क्या कर रहा हूं मैं, A 4 B 5। तो A 4 B 5 हमें कहीं नजर आना चाहिए, ये A 4 B 5 हमें यहाँ नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारे पास में। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है प्लेनर डेंसिटी रेफर्स टू डेंसिटी ऑफ एटॉमिक पैकिंग ऑन ए पर्टिकुलर प्लेन। तो किसी एक प्लेन पे जो पैकिंग है उसको प्लेनर डेंसिटी कहते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ एटम्स ऑन ए प्लेन पर यूनिट एरिया ऑफ द प्लेन। तो इसका मतलब जो प्लेनर डेंसिटी है ये अगर निकालने के लिए कह रहा है हमें, तो हमें 2 काम करने, उस प्लेन के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है उनका इफेक्टिव नंबर निकाल लेना है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, अपॉन एरिया ऑफ द प्लेन। तो ये हमारे पास में प्लेन है और ये किसका प्लेन है, एक एफसीसी यूनिट सेल का प्लेन है। तो इस एफसीसी यूनिट सेल के प्लेन में अगर देखेंगे तो ये एक कॉर्नर होगा, यहाँ पे एक फेस सेंटर होगा और कॉर्नर आ जाएगा, फिर कॉर्नर होगा, फेस सेंटर होगा और कॉर्नर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कॉर्नर है उसका इस प्लेन में कंट्रीब्यूशन हमें देखना होगा। तो इस कॉर्नर का इस प्लेन में कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो 1/4 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और ये फेस सेंटर है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो हाफ ही होगा। तो यहाँ पे नंबर अगर हम देखेंगे तो नंबर जो हमें मिलेगा, 4 कॉर्नर है और हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा और 2 हमारे पास में फेस सेंटर है, उसका कंट्रीब्यूशन जो है हाफ हो जाएगा। तो नंबर जो है वो 2 मिल गया, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स इन प्लेन 2 आ गया। अब इसका जो है एरिया हमें फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ प्लेन। तो ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो एक एज इसकी A के बराबर है और दूसरी एज जो होगी वो √2A के बराबर होगी, जो फेस डायगोनल है और ये एज है। तो अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो। जो प्लेनर डेंसिटी है, प्लेनर डेंसिटी जो आ गया वो 2/√2A²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको B ऑप्शन में नजर आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, फाइंड द इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द प्लेन शोन इन एफसीसी यूनिट सेल। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें फाइंड आउट करना है। तो एफसीसी के अंदर ये एक ऐसा जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमें एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नजर आएगा, एक यहाँ पे नजर आएगा, फिर ये कॉर्नर हो जाएगा, ये फेस सेंटर हो जाएगा और ये कॉर्नर हो जाएगा। अब इनका इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि ये अगर मेरा सेंटर है और यहाँ से ये 2 एजेस अगर पास हो रही है तो ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो एक कंप्लीट एंगल अगर देखेंगे तो ऐसे से कितने एंगल बन जाएंगे, 6 एंगल बन जाएगा। इसका मतलब ये जो कॉर्नर वाला है इसका कंट्रीब्यूशन इस प्लेन में 1/6 होगा। और ये तो एक टाइप से जो है एज का सेंटर हो गया। तो एक प्लेन में एज का सेंटर जो होगा उसका कंट्रीब्यूशन हाफ ही रहेगा, एक प्लेन में एज का जो सेंटर है उसका कंट्रीब्यूशन हाफ ही रहेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है कि एक ऐसे ऊपर रखा हुआ है और अदर जो है वो इस टाइप से अरेंज है। तो इसका मतलब ये जितने भी हमारे पास में है ये कॉर्नर वाले हो गए, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/6 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास में वो एक टाइप से किसी एक प्लेन के अंदर एज के सेंटर पे रखा हुआ है तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ये 3 जो है वो कॉर्नर वाले हैं, इनका कंट्रीब्यूशन 1/6 हो जाएगा, और 3 जो है वो एज के सेंटर वाले हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो हाफ हो जाएगा। तो ये यहाँ से हाफ आ गया और ये यहाँ से 3/2 आ गया। तो टोटल अगर हम देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो जाएंगे, और ये जो है आपका यहाँ पे हमारा आंसर नजर आ रहा है। तो इस टाइप से जो लाइव क्विज 3 है आपका थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच का है। पहले से आपने जो कुछ भी लर्न किया हुआ होगा तो वो आपको डायरेक्ट ऑप्शन में नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको जस्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी हेल्प से आंसर्स को फाइंड आउट करना है। तो ये मेरे हिसाब से एक एडवांस लेवल का जो है क्विज था, जिसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनको अप्लाई करके हमें ऑप्शंस ढूंढने होते हैं। जेईई मेंस में नॉर्मली डायरेक्टली हमारे दिमाग में एक आंसर आता है और वो आंसर हमें ऑप्शन में नजर आता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर watching this discussion.